पिछली वीडियो में हमने मेट्रिक्स के बारे में सीखा जो आपको अपने ग्राहक सेवा संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा। अब हम ग्राहक संबंध प्रबंधन को बेहतर बनाने में सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स की मदद करने के लिए कुछ कार्यक्षमताओं के बारे में जानेंगे ताकि वे ग्राहकों की समस्याओं को जल्दी और आसानी से हल कर सकें। लक्ष्य सरल है, व्यापार संबंधों में सुधार करना। और ये सुझाई गई कार्यक्षमताएं एप्लीकेशंस या सिस्टम के भीतर सिर्फ कार्य क्षमताएं हैं जो अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने के तरीके को कारगर बनाने के लिए हैं। अपने ग्राहकों को और भी अधिक व्यवसाय के लिए खुश और उत्सुक रखने के लिए यहाँ चार आसान चरण दिए गए हैं। आपके ग्राहक संबंध प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए हम सुझाव देते हैं कि मुद्दा मिलने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर स्वीकार और ग्राहक को सूचित करने के लिए सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के पास एक सक्रिय CRM सिस्टम होना चाहिए। ये ग्राहक को भरोसा दिलाता है कि उनका मुद्दा मिल गया है और इसे संभाला जा रहा है। ये आपके ग्राहकों के साथ आपका विश्वास स्थापित करता है जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। आपके CRM में ये सिस्टम या कार्य भी होना चाहिए जहां उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया जा सके और जरूरत होने पर उपयुक्त नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को आगे भेज सकें। बेशक इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पार्टिसिपेंट को एक निपुण अंदरूनी संचार नेटवर्क भी बनाना होगा जो व्यवसाय में विभिन्न पार्टिसिपेंट्स को जोड़ता हो। आखिर में जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जिसमें आपकी गलती नहीं है तो आपकी CRM में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो समस्या को अपने आप उपयुक्त पक्ष को भेज सके। उदाहरण के लिए यदि कोई खरीदार देरी से डिलीवरी के बारे में शिकायत करता है तो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स इस मुद्दे को सेलर NP को अपने आप आगे भेज सकता है जो डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सही व्यक्ति मुद्दे का समाधान कर रहा है और इसे अधिक निपुणता से हल कर सकता है। इन सुझाई गई कार्यक्षमताओं के अलावा यहाँ जांच सूची है जिसे आप वफादार ग्राहक आधार के साथ सफल और टिकाऊ व्यवसाय बनाने के लिए जल्दी से चला सकते हैं। हमेशा अपने ग्राहकों को पहले रखें, जितनी जल्दी हो सके उनकी चिंताओं को हल करने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय शांति और निपुणता से चले ताकि आप ग्राहकों का बेहतर ध्यान रख सकें। हम पिछले चैप्टर्स में पहले ही जान चुके हैं कि ज्यादातर ग्राहक पैकेजिंग और डिलीवरी संबंधी समस्याओं के बारे में सवाल करते हैं। आप आसानी से इन सब से बच सकते हैं ये सुनिश्चित करके कि सही ऑर्डर पैक, ठीक से पैक और समय पर डिलीवर किए गए हैं। इससे आपको रद्दीकरण कम करने और अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं। हमने उचित ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में सीखा और आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए कुछ कार्य क्षमताओं का सुझाव दिया है। और फिर हमने आपको संतुष्ट ग्राहक बनाने के लिए जल्द जांच सूची बताई ताकि आप एक सफल और स्थायी व्यवसाय बना सकें। हमारी अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ व्यवसायिक नियमों को परिभाषित करके ONDC नेटवर्क पर अपने व्यवसाय को शांति से कैसे चलाना है। हम उन नियमों को देखेंगे जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को नीति और तकनीकी दोनों स्तरों पर बनाने होंगे। आप इसके बारे में अगली वीडियो में सीखेंगे।